फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। क्राइम ब्रांच की एसआर की टीम ने मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास से दो कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंदर सिंह यादव ने बुधवार सुबह 11 बजे मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि क्राइम ब्रांच की एसआर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास से। इनके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल, एक लाइसेंसी राइफल, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आगे स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एसआर की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी दो कुख्यात अपराधियों के बारे में कि दो आरोपी मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आएंगे। यदि समय रहते छापा मारा जाए तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई जो कि क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी एचडी मिश्रा और डीसीपी अंकित सिंह के निर्देश पर यह टीम बनी। एसीपी नरेश सोलंकी की देखरेख में इंस्पेक्टर विजय पाल धैया के नेतृत्व में इस टीम में एसआई राजेश, एएसआई विजुमोहन, हेड कांस्टेबल अरविंद और कांस्टेबल विपिन, कांस्टेबल अभय इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया, कुछ देर तक इंतजार किया और उसके बाद दो संदिग्ध को आते देखा मुखबिर ने इशारा किया और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिनकी पहचान सलाउद्दीन उर्फ राजा और रिंकू उर्फ हिमांशु के रूप में हुई। इनके पास जो एक मोटरसाइकिल थी जांच करने पर पता चला कि वह चोरी की है जो कि पुल प्रहलादपुर क्षेत्र से चोरी की थी। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और अन्य ऑटो लिफ्टिंग में अपनी संलिप्तता जाहिर की। आरोपियों की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल और बरामद की, टोटल 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई और इनके पास से एक लाइसेंसी राइफल भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आगे स्पेशल सीपी ने बताया कि आरोपी सलाउद्दीन उर्फ जो राजा है वो थाना जैतपुर का एक हिस्ट्री सीटर है। इसमें 16 मामले पहले भी दर्ज हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।